इसी के साथ मैं भी हो चुकी हूँ तैयार जी। 25 साल बाद आ रही है यहाँ पे, जबकि हम महीने में 2-3 बार मूव हो गई। तो फिलहाल डिनर आ चुका है, पनीर बटर मसाला एंड सेव मलाई। होली आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और इन दोनों ने मिलके जीना हराम किया हुआ है हमारा, बुरी तरह से दिमाग खराब कर रखा है सुबह से। तो फिलहाल अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और भूख लग रही है बहुत तगड़ी वाली। कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं पहले। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ खमन ढोकला, और उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर, कटी हुई ग्रीन चिली, 1 पिंच हल्दी और 2 टीस्पून शुगर, और साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी, और पानी डाल के अभी कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर इनो डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, और फिर सांचे में अच्छी तरह से घी लगा के बैटर को इसमें जल्दी से डालेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे पकने के लिए। सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा ये। और तड़के के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच घी, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, साथ में मैंने डाला कड़ी पत्ता जो कि मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने ड्राई डाल दिया, और 2 टीस्पून मैंने डाली है शुगर, और गैस बंद करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो ढोकला हमारा हो चुका है तैयार, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना। बहुत ज्यादा यम्मी बने कसम से, एक बार ट्राई जरूर करके देखना। और इसी के साथ मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। वैसे वो काफी लेट हो चुका है पर बच्चे जिद कर रहे हैं अग्रवादान जाने की, तो घूम के आते हैं अभी। इतना टेस्टी है ना, इतना सॉफ्ट, मतलब नजारा ही आ गया खाके। सारी ब्रेड खुद ही खा गई हूँ मैं, इतना ही बताया सिर्फ। हेलो किवें तो बने बताते भी नहीं है। आ तो गए हैं अभी, पर अंधेरा देखो अभी से हो गया। मतलब कितना बजे लग रहे हैं? 6 बजे का टाइम हो रहा है, 6:30-7 बजे तक तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और इन्होंने झूले लेने हैं बच्चों से, सबसे पहले तो झूले लेते हैं अभी वाले। वैसे चाची को देख लो कितने साल हो गए अभी, शादी को 2 साल लगे। शादी को कितने साल हो गए? 23 साल बाद आए हैं। 25 साल बाद आ रही है यहाँ पे, जबकि हम महीने में 2-3 बार मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। वैसे टाइम पास ही है ये झूले, मजा बुझा दिया था इन पे। बच्चों के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। वैसे अभी को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है झूलों का। क्या हो गया? गरीब नहीं जाता इस बारी। इसको तो
मैं किरट लग रही है। काली माता काली माता काली माता कहाँ से लाभ लाए हैं अब इसके लिए। स्माइल अंधेरा लग रहा है, अगर भी तू तो दिख ही नहीं रहा इधर से आई साइड से। हाँ अब सही है, स्माइल ढंग से स्माइल कर, ऐसे कैसे मुंह बना रखा है तूने यशविन, ऐसे क्यों कर रहा है सही से असले। तो अभी मंदिर में भी हुआ है, झांकियां भी देख ली और झूले भी ले लिए, पर गुफा वगैरह में जाना कैंसिल क्योंकि एक घंटा चाहिए वहां पे घूमने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा तो लगेगा ही लगेगा और अंधेरा पड़ चुका है पूरी तरह, भूख भी लग रही है। तो अभी कैंटीन में चलते हैं खाने, या फिर अभी कहाँ लेके जाओगे कैंटीन से? क्या किथे होटल देखते हैं। पाव भाजी एक चौमिन, मैं चौमिन खावांगी, पाव भाजी मेनू चंगी लगती है। एक पाव भाजी खिलाइयो मत, आराम से खा लियो ठीक है, इसको छोड़ दो बाद में खा लियो। तेरे को क्या हो रहा है, मिर्ची है क्या? मुंह बुलाने ना मुंह। सेव भाजी और क्या कह रही हो? और देख लो गर्वित नमक है बाबू, कर क्या रही हो तुम दोनों, पागल हो रहे हो क्या? तो फिलहाल डिनर आ चुका है हमारा, पनीर बटर मसाला सेव भाजी चटनी एंड साथ में मिसी रोटी एंड प्लेन रोटी। तो पहले अभी पेट पूजा कर लेते हैं और फिर घर के लिए वापस निकलते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुका है आज। और प्लीज ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।